सर मैं भरत कुमार बोल रहा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। एज ए मैं भाई साहब के साथ में ही रहता हूँ, नोन है हम दोनों। तो मैंने आप विद इन मतलब 2-3 मिनट पहले इनका मैंने वीडियो देखा है, एक इनके बेटे का। मैंने कहा मैं तो खुद शॉक हो गया हूँ इस चीज़ को सुन के कि एक इनका छोटा बेटा जो मतलब किसी से, मेरे ख्याल में तो मैंने उसको कभी बात करते हुए नहीं सुना होगा किसी से। इनका मैंने वीडियो देखा तो इनके बच्चे का मतलब बताया गया कि सुसाइड किया हुआ। तो मैं अचानक से बिस्तर से निकल के बाहर आ गया हूँ। मतलब मैं इस चीज़ को सुन के इतना शॉक हुआ हूँ कि ये गरीब बंदे, 11 तारीख का इनका बच्चा मिसिंग हुआ है और 3 दिन पहले इनका बच्चे की डेड बॉडी मॉर्चरी में पड़ी हुई है और घर वालों को पता नहीं। पुलिस कंप्लेंट दी हुई है जानीपुर में और यहाँ पे पुलिस वाले मेरे ख्याल में शायद सोए हुए हैं। इनको आपस ही झगड़े ही नहीं सॉल्व होते हैं, ये किसी का भला क्या करेंगे। कुछ दिन अभी पहले यहाँ पे पलोड़ा में फायरिंग हुई है और लड़के को मेरे ख्याल में 5-6 गोलियां लगी हैं। उसकी सिस्टर जो है वो मीडिया में है, उसकी सिस्टर ने रविंदर रैना को थाने के बाहर से ही प्रोटेस्ट में ही फ़ोन किया कि तुरंत वहाँ पे पहुँचो मेडिकल कॉलेज। और वो बंदा रविंदर रैना और एलजी साहब दोनों मीटिंग में थे, कोविड की वैक्सीन की उस टाइम पे लॉन्च हो रही थी मेडिसिन। रविंदर रैना मीटिंग छोड़ के अगर वो वापस आ सकते हैं मतलब मेडिकल कॉलेज में एमरजेंसी में, तो इसका मतलब वो VIP थे इसलिए पहुँचे। ये इशू हमारे लिए बहुत बड़ा है, छोटा भी है और कहने में बहुत बड़ा है। और ये गरीब बंदे, इनके लिए कोई आगे नहीं आता। और यहाँ इन केस के यहाँ के कॉरपोरेटर जो मैडम रजनी बाला हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है। किसी के दुख सुख में शामिल नहीं कभी हुए। और उनके लिए मैंने कितनी कंप्लेन दी है और उनके घर पे भी गया हूँ। इन केस के वो 3 बार मैं पहले गया हूँ, 1 बार वो मेरे को मिले हैं जी। ग्यारह तरीक का मुंडा गया हुआ था, मैं डेली जाता हाँ, डेली जाना। एस एस पहले गुरमीत सिंह की उन्हें इसे मैं दिखे नहीं है ना, उसी में सगन दिखी है ना। मैं मुंशी ना कहाँ कोई बात नहीं है। एक बात ये है, अगर उन्होंने कॉल ड्रेन निकालनी थी, पता करना था कहाँ उसने लास्ट कॉल किया कहाँ नहीं किया। पहले वो कभी बोलते वहाँ राजघाट में बंद हो गई है, कभी बोलते 2 बजे बंद हो गई है, कभी बोलते 7 बजे बंद हो गई। उन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं है, कोई एक्शन लिया नैतली ने। इन्हें परसों उसके पे बैठा था, उन्होंने ठीक ठाक उन्होंने मेरी बात भी सुनी, उन्होंने एक्शन लिया। जो पहले किसी ने एक्शन नहीं लिया, वो सोचते बाहर के कीड़े मारो उनको, किसी ने एक्शन लिया। अब लड़का अगर ऐसा होता ना नैतली, हर लड़का मेरा जिंदा होता। 11 तारीख को सुसाइड नहीं किया है, 4-5 दिन की गेम हुई है। वो भी इसका बोलते आँख में लगी हुई है, मुंह में लगी है, आँख उसकी फटी हुई है, 4-5 दिन गेम हुई है। अगर पहले ऐसा होता लड़का सही सलामत घर आता था। इन्हें कोई एक्शन नहीं लिया है, करते आज लड़का हमारा जिंदा होता है।